हमारे YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंच जाए। पिछले शनिवार 2 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मीरा भाईंदर शहर कार्य अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर द्वारा भाईंदर के नर्मदा नगर में महिलाओं के सम्मान में हल्दी कुंकू नामक एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें महिलाओं के इस विशेष प्रोग्राम में राष्ट्रवादी की ही महिला जिला अध्यक्षा फ्रीडा मोराइस को आमंत्रित करना भूल गए। और भूल भी ऐसी के पूरे प्रोग्राम में डायस पर आए हुए नेताओं ने अपने जिलाध्यक्ष का ना तो कहीं पर नाम लिया और ना ही उनका बैनर पर फोटो दिखा। इस बारे में जब हमने नेताओं से बात की तो आइए जानते हैं कि किस तरह वो हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगे और जिलाध्यक्ष के जन्मदिन होने की दुहाई देने लगे। और आज उसका जो है जन्मदिन के मौके पे उसने प्रोग्राम रखा है, बिल्कुल यहाँ से वहीं पे, तो ऐसे कोई मनमुटाव नहीं है यहाँ पे, सब ऑल पे। लेकिन उनका फोटो भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पैरेंट बॉडी का ये दिख रहा है, मैंने भी अभी देखी हूँ, तो बिल्कुल जो है करेक्शन करेंगे उसमें। जैसा आप जिला अध्यक्ष का इस पे फोटो नहीं है, ना ही महिला जिला अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार महिला जिलाध्यक्ष का फोटो भी होना चाहिए था और इस मंच पर भी उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दी। अरे बर्थडे था आज उनका जन्मदिन है, मैं वही जा रहा हूँ ना अभी। फोटो नहीं है उनका किसी पोस्टर पे, आप देख सकते हैं, आप होर्डिंग पे देख सकते हैं आप। अगर अगर ऐसा कुछ है तो उसको करेक्शन किया जाएगा सभी भाई। तो देखा आपने किस तरह से ये नेतागण अपने इन गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब जानते हैं इस पूरे मामले में ऑन रिकॉर्ड ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्षा फ्रीडा मोराइस से बात की तो उन्होंने हमसे बताया कि पहली बात तो 2 तारीख को मेरा जन्मदिन था और हम वेलंकनी मद्रास माता के दर्शन के लिए गए थे, वेलंकनी माता के दर्शन के लिए, और 2 तारीख को मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी। 3 तारीख को सुबह जल्दी पहुंची हूँ और उन्होंने जो फोटो नहीं लगाया, ये बात पे अगर इश्यू कर रहे हैं तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इश्यू है। शायद करेक्शन नहीं हुआ रहेगा, शायद उसको चेक नहीं किया गया था कि सबका प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो लगाया है क्या। अगर ये चीज हुई है तो ठीक है, हम वापस करेक्शन उनको बोलेंगे कि कहीं पे और वापस प्रोग्राम्स होते तो हम उसमें करेक्शन जरूर करेंगे, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बड़ी बात है नहीं। क्योंकि 3 तारीख को जैसे मैंने बोला कि हल्दी कुंकू के प्रोग्राम के बाद 4:30 का ये प्रोग्राम हुआ, 7:30 बजे मेरा जन्मदिन का प्रोग्राम मेरे कार्यकर्ताओं ने और मेरे दोस्तों ने मेरा एक सरप्राइज पार्टी रखा था, इस सरप्राइज पार्टी के लिए मैं मौजूद होना जरूरी था, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जा पाई 4:30 के प्रोग्राम में। संजीव नायक जी आए थे, उनकी पूरे टीम के साथ में आए थे, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, और चित्रावाद मैडम जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आए हुए थे और बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे विश किया। और ये तो कोई छोटा, एक्चुअली छोटा कार्यक्रम था, फिर भी इन्होंने वो कार्यक्रम में आके वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शरद पवार जी ही मेन है और गणेश नाइक जी हमारे मीरा भाईंदर के हेड है, हमारे सब कुछ वही है, तो मुझे नहीं लगता। और वो तो बहुत आदर सम्मान करते हैं सबका, मेरा हो या किसी कार्यकर्ताओं का भी हो, अगर उनके ऑफिस हम उनको लेके जाते तो हर एक को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत प्यारा ट्रीटमेंट मिलता है। 14 दिसंबर को मुझे पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, चित्राताई वाघ जी थे और हमारे आदरणीय गणेश नायक साहब जी थे, उन्होंने मुझे ये पोस्ट पे अपॉइंट किया। और उसके बाद मैंने नारी शक्ति को बढ़ाने का कोशिश किया, हमारे संगठन बढ़ाने की कोशिश की, मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी के पक्ष बढ़ाने की कोशिश में हम लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस हमारे सर पे है और हमें ये दिखाना है कि राष्ट्रवादी का टीम एक मजबूत टीम है और यहाँ पे राष्ट्रवादी को जिता के लाना है। तो धमकाया जा रहा है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को कोई धमकी मिले या किसी के पास से कोई तकलीफ हो तो हम ये वादा करते हैं कि हम इनको, अगर ऐसा चीज होता है तो इनको सूद समेत हम जवाब जरूर देंगे।
तो देखा आपने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर महिला जिलाध्यक्षा फिडा मोराइस अपनी ही पार्टी की गलतियों को ढकने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं कि महिला कुर्बानी का दूसरा नाम है। हर जगह महिलाओं को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर वो चाहे घरेलू महिला अपने घर में गुस्साए पति के आगे झुके, दफ्तर में अपने कलीग के साथ काम में एडजस्टमेंट करे, या फिर राजनीति में नेताओं द्वारा उनकी हो रही उपेक्षा को सर झुकाकर तस्लीम कर ले। आखिर में फ्रीडा मोरेस ये कहने से भी ना चुकी कि अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई डराता या धमकाता है तो वो सूद समेत वापस लौटाएगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसी डैशिंग जिला अध्यक्षा ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानती है।